राजस्थान में आएंगी बम्पर भर्तियां, चयन बोर्ड फरवरी में करवाएगा 8 बड़ी परीक्षाएं। राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी बात यह है कि आगामी समय में भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत सितंबर 2022 तक 8 बड़ी भर्ती परीक्षाएं होंगी। इनके आयोजन की तिथि या महीना घोषित किया गया है। कई भर्तियों के लिए तो आवेदन प्रक्रिया चल रही है, तो कुछ के लिए शुरू होने वाली है। इन सभी भर्तियों में 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। चयन बोर्ड की ओर से जारी सूची के अनुसार प्रदेश में विभिन्न नौकरियों के लिए बोर्ड ने पहली बार कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत एक साथ कई भर्तियां होंगी। मिली जानकारी के अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए 15.67 लाख आवेदन आए हैं। फायरमैन और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में भी 15.15 लाख आवेदन आने की संभावना है। बोर्ड के अधिकारी के अनुसार अब कैलेंडर जारी होने से भर्ती परीक्षाओं की तिथि को लेकर अभ्यर्थियों का असमंजस दूर होगा। वहीं अभ्यर्थी पूरे मनोयोग से भर्ती की तैयारी कर सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 4 परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनमें JEE सिविल डिग्रीधारी के 533, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के 2389, पटवारी भर्ती के 5378, स्टेनोग्राफर भर्ती द्वितीय के लिए 1085 पद हैं। वहीं कैलेंडर के अनुसार कृषि अभियंता सिविल डिग्री संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 12 सितंबर को होना तय है। इसी तरह कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2021 18 सितंबर को, पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 23 से 24 अक्टूबर, शीघ्र लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 फेज 2 29 से 31 अक्टूबर को होगी। इसी के साथ ही कुछ भर्ती परीक्षाओं के आयोजन का महीना भी घोषित कर दिया गया है, जिनमें शामिल है संगणक भर्ती परीक्षा 2021 जो दिसंबर 2021 में होगी, सहायक अग्निशमन अधिकारी फायरमैन भर्ती परीक्षा 2021 दिसंबर 2021 में होगी, ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा प्रारंभिक दिसंबर 2021 में होगी, कृषि अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा 2021 फरवरी 2022 में होगी और ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 मुख्य ये भी फरवरी 2022 में होगी। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जोदाना अब तक न्यूज़ पर।